दोस्तों ईपीएस 95 पेंशनर से संबंधित बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। दोस्तों इस तरह की अपडेट हम आपको देते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा आपकी फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं अपडेट की तरफ। दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है नेशनल एजुकेशन कमेटी की तरफ से। राष्ट्रीय संघर्ष समिति का अगला संघर्षनात्मक आंदोलन, माननीय कमांडर अशोक राउत राष्ट्रीय अध्यक्ष ने माननीय श्रम मंत्री व अध्यक्ष सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को नोटिस भेजा है। नोटिस की प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय सभी सीबीडी सदस्यों, सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर व पुलिस कमिश्नर नई दिल्ली को भेजी गई है। नोटिस के अनुसार संगठन ने तहसील स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर के सैकड़ों आंदोलन करने के बाद व माननीय श्रम मंत्री जी के साथ कई मीटिंग होने के बाद भी हमारी मांगों को मंजूर नहीं किया गया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की विशेष व इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर संगठन के प्रस्ताव दिनांक 20/8/2019 के अनुसार कम से कम पेंशन 7,500 रुपए, उस पर महंगाई भत्ता व वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन, इन मांगों को एक साथ उपलब्ध संसाधनों से मंजूर करने का निवेदन किया गया है। एनएससी की केंद्रीय कार्यकारिणी व राष्ट्रीय अधिवेशन में मंजूर प्रस्ताव के अनुसार यदि 30 दिन के अंदर हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती तो आंदोलन को और अधिक तीव्र किया जाएगा। दिनांक 1/11/2019 से 7/11/2019 तक ग्राम स्तर से लेकर तहसील, जिला, प्रदेश स्तर तक विभिन्न प्रकार के संघर्षनात्मक आंदोलन पूरे देश में किए जाएंगे। दिनांक 4/12/2019, दिनांक 6/12/2019 तक दिल्ली में पेंशन धारकों द्वारा विविध प्रकार के संघर्षनात्मक आंदोलन होंगे। दिनांक 7/12/2019 को दिल्ली में देश भर के लाखों पेंशन धारकों द्वारा दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर रास्ता रोको आंदोलन किया जाएगा। इन आंदोलनों में 60 से 80 वर्ष के पेंशन धारक सहभागी होंगे। किसी भी प्रकार की अनुचित घटना के लिए प्रशासन जवाबदार रहेगा। दोस्तों एनएससी ने बहुत बड़ा पत्र जारी किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए और श्रम मंत्री और सीबीटी के मेंबर्स के लिए। यहाँ पर बहुत बड़ी बातें बताई गई हैं कि आप आंदोलन को और ज्यादा तेज किया जाएगा। अगर 30 दिन के अंदर अंदर आपने हमारी मांगे नहीं मानी तो आंदोलन को और तेज करते हुए दिल्ली में धरने प्रदर्शन और आंदोलन और रास्ता रोको आंदोलन किए जाएंगे। और दोस्तों अब आप लोग कमेंट करके मुझे जल्दी से बता दीजिए आपको क्या लगता है, देश की मोदी सरकार ईपीएस 95 पेंशनर्स को उनका हक देगी या फिर नहीं देगी। नीचे कमेंट बॉक्स में आके जरूर लिखिएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। और इसी तरह की बेहतरीन अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के ठीक नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप उसको दबाइए। दबाने के बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, आप उसको भी दबाइए ताकि इस तरह का हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।